हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम करना थोड़ा सतलुज ऑनलाइन क्लासेस दे यूट्यूब प्लेटफॉर्म उत्ते। तो आप डिस्कस कर रहे थे पी एस टैट को लैके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने उन्होंने आप डिस्कस कर रहे थे। हूँ तक आप जो है 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अज की क्लास अंदर आप अगले 30 क्वेश्चन यानी कि 41 तो लैके 70 तक डिस्कस करा। तो एक गल हो थोड़ा मैं कहना चाहना कि अपने जो चैनल में एक टारगेट मिले हुआ 500 सबसक्राइबर का, जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर दौ, तो वो तो क्लास में जो है शेयर कर दौ, ताकि जिहड़े पी एच टैट के कैंडीडेट ने उन्हें तक क्लास पहुँच सके तो वह भी अपनी तैयारी में बैटर कर सकन। ठीक है, तो 500 सबसक्राइबर का जो टारगेट है वो तुम्हें हम पूरा करना है। वधदे अपने पहले क्वेश्चन तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मिथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इन्हों जी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं दिखाती वो गैस है जी हाइड्रोजन, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। वधदे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम धातु किस विच रखी जाती है? यानी कि जी सोडियम धातु है, सोडियम मैटल है, उन जो किस विच प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा करके रखा जाता है? ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी कैरोसिन, ऑप्शन डी पानी। तो इन जो राइट आंसर है जी वह है ऑप्शन सी, यानी कि कैरोसिन। क्वेश्चन नंबर 43 वल वधदे आप। टाइटन है, टाइटन की है? ऑप्शन ए शनि का उपग्रह, ऑप्शन बी उप महाद्वीप, ऑप्शन सी पहला बनावटी उपग्रह या ऑप्शन डी बृहस्पति का चन्न। तो इन राइट आंसर है वह है जी टाइटन, शनि का एक उपग्रह है। जिवें पृथ्वी का उपग्रह की है चंद्रमा, उस तरह टाइटन जिहड़ा है वह शनि का उपग्रह है, या इन शनि का चन्न भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, धरती ते रात ते दिन होण दा कारण है? धरती ते रात ते दिन है किस कारण हुंदे ने? ऑप्शन ए है इस दी गोलकार आकृति, ऑप्शन बी इस दी धूरी दा अपने ग्रह पक्ष वल झुकिया होना, ऑप्शन सी अपनी धूरी ते घूमना, या ऑप्शन डी सूरज दे चारे पासे चक्कर लाउना। तो इन्हें तो राइट आंसर है धरती ते जिहड़े दिन रात हुंदे ने उह हुंदे है अपनी धूरी ते घूमना, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वधदे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, धरती की भैन किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि धरती की जी भैन है वह कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो धरती की सिस्टर यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है? वह है जी शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वधदे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रीन हाउस के प्रभाव की पछाण सब तो पहला किसने की? यानी कि इन्होंने कौन व्यक्ति से जिन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट की जी पछाण की? ऑप्शन ए जीन बैपटिस्ट ग्रीनवुड, ऑप्शन बी जीन बैपटिस्ट फोरियर, ऑप्शन सी जीन बैपटिस्ट ग्रीन हाउस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन्हों जिहड़ा एक बंदा से जिन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट की जी पछाण की ऑप्शन बी जीन बैपटिस्ट फोरियर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वधदे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, हेठ लिखियां विचों ग्लोबल वार्मिंग लई कौन जिम्मेवार है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की कौन रिस्पोंसिबल है, कौन गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सारे? तो इन्हों जी चार तिने गैसा यानी कि सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तिने ही जड़िया ने ग्लोबल वार्मिंग लई रिस्पोंसिबल ने, यानी कि इनका राइट आंसर होएगा डी उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन, पत्तियां विच गैसा दे दाखले अते निकास लई जिम्मेवार प्रक्रिया है? यानी कि पत्तियां विच जिहड़ियां गैसा ने उन्हां दे पत्तियां विच जाना ते बाहर निकलना लई कड़ी प्रक्रिया जिम्मेवार है? ऑप्शन ए वाष्पन, वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी स्थानांतरण या ऑप्शन डी प्रसारण। तो इहदा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रसरण। प्रसरण जिहड़ी है प्रसरण प्रक्रिया नाल पत्तियां विच गैसां आउंदियां ने ते जांदियां ने, यानी कि एंटर हुंदियां ते बाहर निकलदियां। क्वेश्चन नंबर 48, मच्छरां विच पोषण दी विधि है? यानी कि मच्छर जिहड़ा है अपना भोजन किस प्रक्रिया नाल या उन्हां दे जिहड़ा भोजन ग्रहण करन दी जिहड़ी विधि है उहनूं की कहिंदे ने, उह किस तरह दे ने? ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी परजीवी पोषण, ऑप्शन सी सैप्रोफिक पोषण या ऑप्शन डी हैट्रोट्रोफिक पोषण। तो जिहड़े मच्छर ने वह परजीवी पोषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वधदे हां 49 नंबर क्वेश्चन, मनुख के शरीर का सब तो सख्त अंग केड़ा है? यानी कि ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है दंदा की छाल या फिर इनू इनेबल कहते हैं, ऑप्शन सी हड्डियाँ या ऑप्शन डी छाती दियाँ हड्डियाँ। तो मनुख का शरीर सब तो सख्त अंग है वह है दंदा की छाल, यानी कि तुथ एनेमल।
नैक्सट क्वेश्चन, कूनी विच केड़ा जोड़ पाया जाता है? अपने शरीर के जिहड़े भी जोड़ ने उन्हां दा अलग अलग नाम है, इस करके जो कूनी दे जोड़ दा नाम पूछा है, ऑप्शन ए बाल एंड साकेट, ऑप्शन बी हिंज जोड़, ऑप्शन सी फिक्सड जोड़, या ऑप्शन डी पेरोटियल जोड़। तो जरा कूनी च पाया जाता है उस जोड़ का नाम है जी हिंज जोड़, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट चर्बी और प्रोटीन का पूर्ण पाचन किस विच हुंदा है? पेट, जिगर, छोटी आंतड़ियाँ या गुर्दा? तो जिहड़ी कार्बोहाइड्रेट चर्बी और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुंदा है जी छोटियां आंतड़ियाँ विच, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन च। नैक्सट क्वेश्चन है, जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर दिओ ताकि अपने जो 500 सबसक्राइबर का टारगेट है वो पूरा हो सके। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों शरीर के किस अंग नूं रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है? यानी कि कौन सा अंग है जिसके विच थोड़ा ब्लड जरा है खून थोड़े टाइम तक जरा है रिजर्व रहता है ताकि जो शरीर की लोड़ पैंदी उतों यूज़ कर सके? ऑप्शन ए तिली, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पिता, या ऑप्शन डी जिगर। तो जरा तिली है जी, तिली जरा ऑर्गन है, ये जरा अपना खून जरा है रिजर्व रहा है। तिली नूं ही कहा जाता है, तिली नूं कहा जाता है स्पलीन पलीहा, स्पलीन ते पलीहा तिली का अलग अलग नाम ने। वधदे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53, किहड़ी अधातु कमरे के तापमान से तरल ही रहती है? यानी किहड़ी नॉन मैटल है जिहड़ी कमरे के टैंपरेचर से लिक्विड फॉर्म च रहती है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमाइन, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी हीलियम। तो कमरे के तापमान से जिहड़ी ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म च रहती है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जदों असी भू मध्य रेखा तो पूर्व वल जाते हाँ तो तापमान में फर्क ज़्यादा होंगे, यानी कदों होंगे तापमान फर्क ज़्यादा? ऑप्शन ए सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश के मौसम में, या बसंत में। जो तापमान है जी वह गर्मियों में जो है बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हवा का दबाव मापन लई केड़ा यंत्र वरत्या जाता है? यानी कि एयर प्रेशर हवा का दबाव मापन लई जिहड़ा यंत्र वरत्या जाता है उन्हां विचों केड़ा है? एनेमोमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, या हाइग्रोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द बैरोमीटर। बैरोमीटर नाल जिहड़ा है आपां एयर प्रेशर नूं माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, BOD5 की है? यदि फुल फॉर्म पूछी है जी BOD5। ऑप्शन ए है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, ऑप्शन बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, या ऑप्शन डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो अंजे राइट आंसर है जी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हेठ लिखियां विचों किस नाल हीमोग्लोबिन सब तो आसानी नाल जुड़ सकता है? यानी कि केड़ी गैस है जिहदे नाल जिहड़ा अपना ब्लड च हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह आसानी नाल जिहड़ा है जुड़ जाता है, फिक्स हो जाता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन 4 यानी कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन विचों जिहड़ा है जी वह है NO जिहड़ी गैस है, ये अपने हीमोग्लोबिन नाल ईजीली कॉन्टैक्ट विच आ जाती है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अपना, महासागर का संबंध धरती की कौन-सी परत नाल है? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, या उपरोक्त सारे। तो जी महासागर का संबंध है जी वो अपने क्रस्ट जी परत है ये नाल है, अपनी धरती की अलग अलग परत ने जिमें कि मेंटल है, कोर है, या क्रस्ट है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए मच्छी उत्पादन नाल, ऑप्शन बी सरों के उत्पादन नाल, ऑप्शन सी फलों के उत्पादन नाल, या ऑप्शन डी सिहाई के उत्पादन नाल। तो जी नीली क्रांति है यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन वो संबंधित है जी मच्छी उत्पादन के नाल, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया यानी किस द्वारा किया गया? ऑप्शन ए BR अंबेडकर ने, ऑप्शन बी भजन लाल ने, ऑप्शन सी गुरु जंबेश्वर ने, या ऑप्शन डी जोधपुर के राजा ने। तो जो बिश्नोई समाज है ये गुरु जंबेश्वर द्वारा जरा है स्थापित किया गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, सफेद फेफड़े का कैंसर किस नाल हुंदा है? ऑप्शन ए एसबेस्टास, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी टैक्सटाइल्स, या ऑप्शन डी सिलिका।
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ 500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। 62 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀਵ ਵਿਘਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀਵ ਵਿਘਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਵਿਘਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। 63 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਿਥੇਨ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਫਾਸਜੇਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਿਥਾਈਲ ਗੈਸ, ਮਿਥਾਈਲ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ। ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 16 ਅਗਸਤ 1945, ਜਾਂ ਬੀ 26 ਅਗਸਤ 1945, 6 ਅਗਸਤ 1945, ਜਾਂ 8 ਅਗਸਤ 1945। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 65, ਅਮਲ ਵਰਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਅਮਲ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? HNO3, H2SO4, CH3COOH, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਅਮਲ ਵਰਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵਿੱਚ HNO3 ਅਤੇ H2SO4 ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੁੱਲਰ ਝੀਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚਿਲਕਾ ਝੀਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੋਵਈ ਝੀਲ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਡਲ ਝੀਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਲਰ ਝੀਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 67, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਤਹਿ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 68, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 69 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਡਾਚੀਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਚੀਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਿੱਕਿਮ। ਤਾਂ ਡਾਚੀਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 70, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 2011 ਵਿੱਚ, 1970 ਵਿੱਚ, 1973 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 2007 ਵਿੱਚ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1973 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣ PSAT ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ETT ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 6635 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ETT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ EVS ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
तुसीं जिहड़ा है चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना है ताकि अपने चैनल जिहड़ा टारगेट है 500 सबसक्राइबर का वह पूरा हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास नवे क्वेश्चन नाल नवे टॉपिक के नाल।